महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने समाज सेवी राजू चंदा द्वारा वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों में स्वरोजगार मूलक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त अनेकों महिलाएं आज स्वयं का रोजगार संचालित कर रही हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और महिला उत्थान को लेकर पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रही समाज सेवी राजू चंदा द्वारा अब तक हजारों महिलाओं को स्वरोजगार मूलक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा चुका है। राजू चंदा की बदौलत अनेकों महिलाएं आज सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन जैसे कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं का रोजगार संचालित कर रही हैं। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। स्वरोजगार मूलक प्रशिक्षण से जुड़ने विभिन्न वार्डों की महिलाएं राजू चंदा से संपर्क कर उन्हें अपने वार्ड में प्रशिक्षण शिविरों का शुभारंभ करने लगातार आमंत्रित करती रही हैं, जिसकी वजह से अनेकों घरेलू महिलाएं सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन जैसे प्रशिक्षण का कोर्स कर चुकी हैं। समाज सेवी राजू चंदा ने बताया कि उनका उद्देश्य एकमात्र यही है कि महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। बस अभी हमारे वैशाली नगर में 2 साल से चल रहा है पार्लर सिलाई का, तो घासीदास में और या कुरूद में चल रहा है, घासीदास में चल रही है, और क्या बोलते डाचा भवन में और वैकुंठ धाम कोका, और यहाँ पे वैकुंठ धाम में भी अभी 2-2 खुले हैं, घासीदास में खुला है और हमारा फौजी नगर में बत्तीसगढ़ में। किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है? सिलाई और पार्लर, वो मेरा उद्देश्य था कि हर महिला हर बेटी हर बच्चे लोगों को अपने पैरों में खड़ा करने के लिए, तो मैं करती रहती हूँ। अभी तक तो मेरे पास में कम से कम 1.5 लाख महिलाएँ कर चुकी हैं, और अब फिर से एक बार और इन लोगों का कहना है कि हमारे वार्ड में आइए, तो बहुत सारे वार्ड के लोग स्वागत बहुत अच्छा करते हैं और उन लोगों को सीखने की बड़ी तमन्ना है। तो माँ यही दे सकती है कि अपने बच्चों को पैर में खड़ा करना चाहती है, तो वो बच्चे पैर में खड़े होने के लिए तैयार हैं, तो मुझे क्या है, मेरे पास जो धरोहर है मैं उन बच्चों को दूँगी और आगे भी बढ़ाती रहूँगी, जितना जब तक रहूँगी तब तक मैं समाज सेवा करती रहूँगी। किसी से चंदा नहीं लिया है, किसी से मैंने मदद नहीं ली है, किसी से मैंने पैसा नहीं लिया है, मैं खुद का स्वयं करती हूँ मेरे पति के पैसे से, और जितना हो सकता है मैं उतना बेटी लोगों के लिए करती हूँ। अगर हमारे वैशाली नगर में अभी जो चालू हुआ है, हमारे वैशाली नगर की तो इतनी दुर्दशा है कि हम बता नहीं सकते हैं, ना वहाँ बेटियों के लिए कुछ है, ना बहुओं के लिए कुछ है, ना माओं के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे विधायक जो देवेंद्र यादव हैं वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा पहल किया और आज सब बेटियां और उनकी जितने भी वार्डों की बेटियां हैं उनको सलूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और हर वार्ड में ऐसे ही लोग आएं और आगे बढ़कर करें, क्योंकि जो हमारा विधानसभा है जो विधायक जी का, उनका जितना भी सराहना करें कम है। स्वरोजगार मूलक कार्यों से महिलाओं को जोड़ रही राजू चंदा से जुड़ी अन्य महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्ते, मैं एकता महिला समिति से बोल रही हूँ। वैकुंठ धाम कैंपटू फौजी नगर और 32 एकड़ में हम लोग का सेंटर चल रहा है, और हर सेंटर में 100 से 200 महिलाएँ प्रशिक्षण ले रही है। ये सब अम्मा जी के द्वारा किया जा रहा है, सिलाई और पार्लर का कोर्स सिखाया जा रहा है, और सारे कोर्स निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है सब। और हम लोग विधानसभा वैशाली नगर से काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मैं एकता महिला समिति से अम्मा के द्वारा काम कर रही हूँ, महिलाओं के लिए सिलाई और पार्लर का कोर्स कराने में अम्मा के साथ योगदान कर रही हूँ। मैं घासीदास गुरुद कोका ढांचा भवन समिति देखती हूँ। मैं अम्मा के से जुड़ी हूँ, एकता महिला समिति के सदस्य हूँ, और हम लोग सुपेला वार्ड में दो वार्डों में पहुँच चुके हैं, वैकुंठ धाम सेंटर 2 वार्डों में पहुँच चुका है, और बाकी भी और वार्ड की महिलाएँ भी बोल रही कि हमारे वार्ड में बुलाइए, हम सिलाई और पार्लर का काम नीचे से मतलब प्रशिक्षण देते हैं। और अम्मा जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि अम्मा जी महिलाओं के लिए कुछ कर रही हैं, अम्मा जी की वजह से आज महिलाएं आगे आई हैं, तो महिलाओं को कोई नहीं पूछता है आज के ज़माने में, तो बिल्कुल नहीं पूछ पास जहाँ आज के ज़माने में बहरहाल महिला उत्थान को लेकर राजू चंदा द्वारा किया जा रहा यह कार्य सराहनीय है। प्रशिक्षण संबंधित समस्त सामग्री राजू चंदा द्वारा स्वयं निशुल्क महिलाओं को उपलब्ध कराई जाती है, किसी तरह का कोई शुल्क महिलाओं से नहीं लिया जाता। यही वजह है कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की हजारों महिलाएं राजू चंदा को आज अम्मा के नाम से संबोधित करती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।